मोर देन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है, जो हमने बिल्कुल सोचा भी नहीं था उस तरीके का रिस्पॉन्स है। वी आर गेटिंग क्लोजर टू द 200 करोड़ मार्क। सो आई थिंक हमारे लिए बहुत बढ़िया दिवाली गिफ्ट रहा ये, एंड आई होप कि हम गुलमाल 5 जल्दी बनाएं और लोगों को ऐसे एंटरटेन करें। तो सर कैसा प्रकार के मींस आपको कमेंट मिलेगा इंडस्ट्री से, फ्रेंड्स से? नहीं, सब ने अक्रॉस द बोर्ड लोगों को फिल्म बहुत पसंद आई, सारे किरदार पसंद आए, उन्हें कॉन्सेप्ट बड़ी पसंद आई, सो सब खुश थे। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी वांट, यू नो, कि हम जो गोलमाल के साथ जो एक प्रॉमिस लेके आते हैं कि भैया दिवाली की फिल्म है, सेलिब्रेशन का टाइम है, तो सब आके बस खुश होके घर जाइए। सो वो जो खुशी हम दे पाएँ उसकी हमें खुशी है कि पीपल वर वेरी हैप्पी, वेरी पॉजिटिव। दो दो तीन तीन बार लगातार लोग फिल्म देख रहे हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इट बिकेम सच ए ह्यूज सक्सेस। ये साल के देखा जाए तो सारी मूवीज में जो भी हुआ है बहुत ही फ्लॉप है या कम मतलब बॉक्स ऑफिस जी जी, पर गोलमाल देखा जाए तो वो जो पहले फिल्म होगी जो 150 करोड़ पार कर चुकी जी जी, तो जी उसके बारे में क्या कहना चाहिए? यू नो, कभी कभी वो रहता है थोड़ा सा फेज़, आई गेस इसमें किसी की गलती नहीं कहूँगा कि कुछ फिल्में वर्क नहीं करते, हर बंदा कोशिश करता है कि वो अच्छी फिल्म बनाए, लोगों को एंटरटेन करे। कहीं कहीं कुछ चीज़ें रह जाती है, कुछ थोड़ा एनवायरनमेंट वैसा रहता है या माइंडसेट कुछ वैसा रहता है, बट आई एम जस्ट हैप्पी कि गोलमाल जो सोच के हमने बनाई थी वो वैसे ही लोगों तक पहुँची और लोगों ने उसे पसंद किया। एंड आई गेस एज समवन फ्रॉम द इंडस्ट्री मैं चाहूँगा कि हमारी हर फिल्म वर्क करे ताकि हम सबको और थोड़ा काम मिले एंड हम लोगों को और खुशियाँ बांटे। तो गोलमाल 5 की भी सर ने आके में बता ही दिया कि करने वाले हैं, तो कुछ हाँ नहीं, वो तो हम रोहित को ऐसे छोड़ेंगे नहीं, यू नो, हम जैसे कहते आए कि हमारा पेंशन प्लान है, तो ऐसे कैसे पेंशन बंद कर देंगे। सो आई एम ग्लैड एंड आई एम हैप्पी कि रोहित भी चाहता है कि गोलमाल 5 बने, एंड वो अब स्टोरी के बारे में सोच रहा है, तो जैसे ही मेरे ख्याल से उसका सोचना हो जाएगा तो वो हमें इमीडिएटली बता देगा। तबू मैम का बर्थडे भी है, तो क्या कहना, विश करना चाहेंगे? विश तो करना चाहेंगे, लेकिन आई थिंक तबू ने हम सबको बताया कि मेरे को 4th को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आई एम गोइंग टू बी आउट समवेयर जहाँ मैं किसी को नहीं बताऊँगी मैं कहाँ रहूँगी। सो शी इज़ अ स्वीट हार्ट, शी इज़ अ डार्लिंग, एंड वी रियली विश हर द बेस्ट इन लाइफ। यू नो, बड़ा मज़ा आया, एक हम हमेशा कहते हैं कि एक फैमिली जैसा लगा फैमिली, पर वाकई में गोलमाल में जब काम करते तो एक फैमिली का फील आता है। मैं चाहूँगा कि गोलमाल 5 में भी ये पूरी टीम एक साथ हो, तो बड़ा मज़ा आएगा। एंड विशिंग तबू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टुडे, मे तबू यू, मे यू गेट वॉट एवर यू विश फॉर। सर, आपकी डेब्यू डायरेक्शन जो थी बहुत ही अप्रिशिएट की गई थी, और जी, उसके बाद आपने कहा था कि दूसरे स्क्रिप्ट में भी काम चल रहा है, तो जी, उसका क्या प्रोग्रेस है थोड़ा बताइए? मैं कर रहा हूँ, इनफैक्ट एक दो स्क्रिप्ट्स पे काम कर रहा हूँ, तो वो जैसे ही रेडी हो जाएंगी हम उसकी भी एक अनाउंसमेंट कर देंगे। नथिंग यार, आई एम हियर एट IMAX टुडे बिकॉज हमारे टाटा मेमोरियल के कुछ बच्चे फिल्म देखना चाहते थे, तो मैं बीच बीच में जैसा वक्त मिलता है वैसे उनके कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में मैं इन्वॉल्व रहता हूँ। इस बार दिवाली के वक्त इनफैक्ट उनकी कुछ एक्टिविटी थी तो मैं वो कर नहीं पाया था, तो मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं जब रिलीज़ हो जाएगी फिल्म तो मैं आपको फिल्म की एक स्क्रीनिंग रखूँगा। तो टुडे फॉर्चुनेटली भी यू नो सारी चीज़ें एक साथ आई कि वो भी उनका आना भी पॉसिबल हुआ। सो आई एम जस्ट हैप्पी, यू नो, गोलमाल सभी बच्चों को पसंद आती है, तो आई जस्ट होप दे एन्जॉय द फिल्म।